दौरे से बनेगी बात, जीतेंगे 2024 का चुनाव गोवा असम के बाद। अगले साल की शुरुआत में उत्तर पूर्वी क्षेत्र के दो राज्यों में त्रिपुरा और मेघालय में विधानसभा चुनाव होने हैं। तृणमूल कांग्रेस दोनों राज्यों में अपने उम्मीदवार उतारने की तैयारी कर रही है। इससे पहले त्रिपुरा उपचुनाव लड़ने के बावजूद तृणमूल कांग्रेस ने विधानसभा चुनाव में कभी उम्मीदवार नहीं उतारा। मेघालय में तृणमूल कांग्रेस कभी किसी लड़ाई में नजर नहीं आई है। वहीं इस बार मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दोनों राज्यों में चुनाव की तैयारी शुरू कर चुकी हैं और इसीलिए वह 3 दिवसीय दौरे पर मेघालय जा रही हैं। इसी के साथ सांसद और भतीजे अभिषेक बनर्जी भी इस दौरे पर उनके साथ रहने वाले हैं। बता दें कि विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने के बावजूद भी तृणमूल कांग्रेस फिलहाल मेघालय में मुख्य विपक्षी दल है। आपको बता दें कि पिछले विधानसभा चुनाव में पश्चिम बंगाल में तीसरी बार सत्ता में आने के बाद अभिषेक बनर्जी पार्टी के महासचिव बने थे। इसके बाद उन्होंने पार्टी को राष्ट्रीय स्तर पर स्थापित करने का बीड़ा उठाया था। उन्हें अलग अलग राज्यों में एक के बाद एक कार्यक्रम में भी देखा गया। तृणमूल ने सफल नहीं होने के बावजूद भी गोवा विधानसभा चुनाव में हिस्सा लिया था। दोनों वहां प्रचार करने गए थे, लेकिन ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी कभी एक साथ नजर नहीं आए। ये ऐसा पहला मौका होगा जब तृणमूल कांग्रेस के दो चेहरे एक साथ दूसरे राज्य का दौरा करेंगे। आपको बता दें कि इस यात्रा में उनके साथ साथ मेघालय तृणमूल कांग्रेस पर्यवेक्षक और राज्य के जल संसाधन विकास मंत्री मानस भुइयां भी साथ होंगे। ममता बनर्जी ने हाल ही में दिल्ली का दौरा किया था। अभिषेक बनर्जी वहां सांसदों के साथ बैठक में शामिल भी हुए थे। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मेघालय के कई कार्यक्रमों में शिरकत करने वाले हैं। अभी तक तृणमूल कांग्रेस की ओर से केवल मंगलवार के कार्यक्रम की ही घोषणा की गई है। उस दिन मेघालय तृणमूल का राज्य सम्मेलन शिलोंग के स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी में होगा। ममता बनर्जी के अलावा अभिषेक बनर्जी, मानस भुइयां, मेघालय तृणमूल कांग्रेस के अध्यक्ष चार्ल्स और विधानसभा दल के नेता मुकुल संगमा इसमें शामिल होंगे। बता दें कि अभिषेक बनर्जी ने कुछ महीने पहले मेघालय के राज्य कार्यालय का उद्घाटन किया था। माना जा रहा है कि ममता बनर्जी इस दौरे के दौरान उस दफ्तर भी जा सकती हैं। ममता बनर्जी और अभिषेक बनर्जी मंगलवार को एक सामाजिक कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं। बता दें कि इसी साल मई में कांग्रेस के 12 विधायक कांग्रेस छोड़कर मुकुल संगमा के नेतृत्व में तृणमूल कांग्रेस में शामिल हो गए थे, जिसके बाद से तृणमूल कांग्रेस मेघालय में मुख्य विपक्षी पार्टी के तौर पर उभरी है।